Hey, what's up guys? We are back again with a new video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं सुपर मार्केट सिमुलेटर। 10 दिन बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एडिट कब करूँगा ये मुझे पता नहीं, तो 10 दिन बाद मेरे ख्याल में 11 दिन बाद वीडियो आ जानी चाहिए। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए मैं वीडियो नहीं डालता यार। तुम लोग सब्सक्राइब करके लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, फिर ज़्यादा वीडियो आएगी। खैर इस वक्त मेरे पास जो है ना $8,000 तकरीबन पड़े हुए हैं, नहीं आठ नहीं तकरीबन नौ, 8,930 तकरीबन 9,000 तुम लोग कह लो। और लेवल जो है सब मेरा 22 है। तुम लोग को लास्ट वीडियो में याद होगा कि हमने जो है ना ये काउंटर खरीदा था, लेकिन हमारे पास इतना लेवल नहीं था हमारा कि हम जो है ना इसका कैशियर कर सकते, तो आज जो है ना सब कुछ ही कर सकते हैं तकरीबन हम। और सामान जो है तुम देखो कि थोड़ा बहुत पड़ा भी है और स्टोरेज में भी थोड़ा बहुत मंगवाना पड़ेगा, बाकी स्टोर में ओपन कर देता हूँ, इतना तो है कि हम लोग ओपन कर सकें। आज जो है ना काफ़ी कुछ करेंगे, मैं सामान पर ज़्यादा पैसे ज़ाया नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत पहले मैं मंगवा भी लेता हूँ कि ये ना हो कि पैसे ही खत्म हो जाए। दो डब्बे काफ़ी हैं आई थिंक सारों के। यार एक मिनट, ये वाला चेकआउट ना मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं ओपन अभी थोड़ी देर तक करूँगा जब मैं कैशियर हायर कर लूँगा। चलो अभी दो डब्बे हम लोगों ने सब चीज़ों के मंगवा लिए हैं, इसको जो है ना मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। वैसे अगर ये काम भी हमारा कर देता ना कहीं री स्टॉक कर, तो मैं कहता हूँ और कुछ था ही नहीं, मज़ा ही आया था वैसे। तो सामान जो है ना मैं लगा चुका हूँ, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मुझे सारे पैसे यहाँ भी ज़ाया नहीं करने थे। अगर मैं सारे यहाँ भी ज़ाया करता तो जो काम करने वो नहीं होते। सबसे पहले तुम तो देखो फिर से जो है ना रश लग गया, तो मैं इसको मेरे ख्याल से खोलूँ, इसको खोल के जो है ना हम लोग दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। अब इसका जो है ना हम लोग हायर कर लेते हैं, मैनेजमेंट पर आके, हायरिंग पर आके, कैशियर वन और ये कैशियर टू को जो हायर कर लेते हैं। $100 थी इसकी हायरिंग कॉस्ट, तो ठीक है। और दूसरा जो है ना हम लोग री स्टॉकर भी एक हायर कर लेते हैं, जो है ना हमारे पास दो कैशियर्स हैं। तुम लोग देखो एक मिनट यार लाइट चला दूँ, हाँ तो अब दो कैशियर्स हैं हमारे पास, एक ये वाला और री स्टॉकर भी जो है दो हो चुके हैं। एक ये फिर रहा है और दूसरा ये अपना काम कर रहा है, वही सही हो गया। शक्लें तो वैसे दोनों की एक जैसी हैं, लेकिन खैर ये मैटर नहीं करता। और दूसरा काम जो हमने करना है, और मैं स्पेस को भी जो है ना इंक्रीज़ करना चाह रहा था, बिल्स वगैरह आए होंगे यार ये पे कर देंगे, तो इन पर इंटरेस्ट लगता है और ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं भाई, इतने सारे बिल्स पेंडिंग पड़े थे यार। क्यों ना हम लोग लाइसेंस भी खरीदें यार, मेरे ख्याल में एक लाइसेंस जो है ना खरीदना चाहिए। और काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो है ना हमें मिली हैं, तो वो इधर से चेक करनी है हमने प्रोडक्ट्स में आके। अच्छा इसके बाद हमें मिला है पीएंट बटर फ्लोर, अच्छा फ्लोर तो पहले था ना मेरे पास, फ्लोर एक ये वाला हो गया और एक ये वाला फ्लोर हो गया, फ्लोर हमारे पास दो हो गए। अच्छा ऑलिव ऑयल है, पास्ता है, पास्ता भी पहले था यार, ये भी देखो है, और राइस बनास्पति बासमती सॉल्ट, सही हो गया। अब इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा बहुत मंगवा भी लेते हैं, दो दो काफ़ी है मेरे ख्याल, क्योंकि इतनी ना मेरे पास स्टोरेज नहीं है असल में। अच्छा भाई ये तो क्लोज़ हो गया, पहले मुझे स्टोर बंद होने का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी सुबह को जो है ना हमें थोड़े बहुत और भी काम है, एक तो हमने ये जो अपना स्टोर का एरिया ये इंक्रीज़ करना है, और क्योंकि हमने प्रोडक्ट लाइसेंस लिया है तो हमें थोड़े बहुत शेल्फ भी मंगवाने पड़ेंगे, और शायद शायद मैं स्टोरेज भी इंक्रीज़ करूं अगर ज़रूरत पड़ी, पड़नी तो नहीं चाहिए वैसे। चलो भाई कस्टमर सारे चले गए, डे को हम लोग एंड करते हैं, प्रॉफिट में ही होगा मेरे ख्याल में, बैलेंस प्लस 9071। अच्छा जी प्राइस एग की चेंज हुई है और कॉफ़ी डार्क रोस्ट की चेंज हुई है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ साथ ही। अच्छा हमने प्रोडक्ट्स मंगवाई थी रात को जो मैंने यहाँ पे कार्ट में रखी थी और मंगवाई नहीं थी, तो इनको मैं ऑर्डर कर लेता हूँ, और ये सॉल्ट भी जो है ना रखते थे ये भी दो मंगवा लेते हैं। सबसे पहले ना मैं इन्हें ही लगा देता हूँ जाके, मुझे मेरे ख्याल में एक शेल्फ ख़रीदना पड़ेगा, सॉल्ट तो खैर मेरे ख्याल में यहाँ पर आ जाएगा, बाकी एक एक्स्ट्रा शेल्फ जो है ना ख़रीदनी पड़ेगी। शेल्फ ख़रीद लेते हैं यार, एक फर्नीचर्स में मॉल रैक, एक रैक और एक शेल्फ भी खरीद लेते हैं। $400 लग गए यहाँ पे काफ़ी सारे यार। ये वाला स्टैंड है तो इसे हम स्टोर में लगा देते हैं यहाँ पे, और जो दूसरा वाला है इसको हम लोगों ने स्टोर के अंदर लगाना है, स्टोर के नहीं सॉरी सुपर मार्केट के अंदर लगाना है। एक मिनट इसकी जगह बनानी पड़ेगी यार, जगह तो वैसे काफ़ी थोड़ी होगी मेरे पास, इसको यहाँ पर रख देते हैं, और ये वाला जो शेल्फ है इसे उठा के यहाँ पर रख देते हैं। चलो जी अच्छा ये वाले जो है ना मुझे लगाने पड़ेंगे क्योंकि इनका टैग नहीं लगा हुआ यहाँ पे, तो एक एक जो है ना मैं यहाँ पे लगा भी देता हूँ, इसकी प्राइस भी सेट करनी है। सबसे पहले मैं लगा लूँ फिर प्राइस सेट करते हैं। ये वाला फ्लोर है, फ्लोर को हम यहाँ पे लगा देते हैं फिलहाल, एक शेल्फ में रखने की कोशिश करूँगा, बाकी जो है ना दूसरी दो दो बार रख देंगे एक आइटम को। ये क्या यार इसको यहाँ पर रख के देखते हैं क्या, चॉकलेट लग रही है पता नहीं, हाँ ये पीनट बटर था और ये भी पीनट बटर है, तो हम इसे यहाँ पर रख देते हैं। बाकी हमारे पास ये ऑयल ऑयल है पता नहीं क्या है, याद नहीं मुझे, यहाँ पे रख देते हैं, और ये भी कुछ है
शायद ड्रिंक है भाई, लाबा नहीं, सॉल्ट है सो। और बाकी ये जो है हमने रखना है अंदर, मेरे ख्याल में अभी रखा नहीं है, और ये जाएगा वापस स्टोर में। चलो भाई, अब कुछ इस तरह का लग रहा है स्टोर। ये शेल्फ भी तो वैसे खाली था ना, मैं यहाँ पे भी रखता हूँ। अभी मैंने दो मंगवा ली हैं। खैर, हमने जो है ना एरिया इंक्रीज़ करना था, और मैं यहाँ से रिटर्न क्यों कर रहा हूँ। मैनेजमेंट में आके, ग्रोथ में आके, सेक्शन 3। अच्छा जी, सेक्शन 3 है जी, $750 का परचेज कर लेते हैं। यहाँ से एक्सटेंड हुआ। अच्छा, ये मैंने सिर्फ, यार ये पूरा मिल जाता ना फिर ज़्यादा बेहतर। खैर, इसको हम उठाते हैं और यहाँ पर ले आते हैं। अब मैं भर सकता हूँ इसे थोड़ा बहुत, तो वही अपने पास काफ़ी सारी आ गई। यार यहाँ पे दो पूरे नहीं आ रहे, तो एक हम यहाँ पे लगा देते हैं, एक और इसको सेंटर में लगा देते हैं, और इसको उठा के यहाँ पे लगा देते हैं। वैसे ये व्यू ब्लॉक हो रहा है यहाँ से ही, मुझे जहाँ पे लगाना चाहिए। या फिर जो एक फ्रिज है ना, मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। जिस तरह एक फ्रिज यहाँ पे रखी है, एक यहाँ पे भी रख दूँगा, सिंगल है ना ये। और इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि व्यू नहीं ख़राब होना चाहिए, लुक बहुत मैटर करती है। इसको हम यहाँ भी रख देते हैं वापस। और अब ये रह गया मेरे पास, एक डबल फ्रीज़र है, तो इसको थोड़ा सा आगे करके इसे हम लोग यहाँ पर रख, सही हो गया। अब जब ये वाला सेक्शन खरीदेंगे, तो अब मैं जो है ना रैक्स को डबल कर दूँगा, तो फिर वो लुक वाइज भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा पीछे ले आते हैं इस तरह से। और एक मिनट यार, ये लाइटें पहले मैं लगा दूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स वगैरह नहीं है बिल्कुल भी। एक यहाँ पर, दूसरी आ गई यहाँ पर, और एक और पड़ी है, इसको भी जो है हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, सही हो गया। इसे उठा के पीछे कर देते हैं थोड़ा सा। चलो भाई, अब रह गया स्टोर का सेक्शन। स्टोरेज एरिया का हम लोगों ने ग्रोथ में सेक्शन 5 आ गया, स्टोरेज में आके सेक्शन 3, हमने सेक्शन 3 परचेज करना है, और ये 1200 का है। $6000 मेरे पास अभी पड़े हैं यार, पैसा तो सही आ गया मेरे पास। एक दो तीन, अच्छा, यहाँ पर मिला है, मुझे लगा मिला ही नहीं। और वो दरवाज़ा जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, वो फाइनली ये भी खुल चुका है अब। तो अब हमें स्टोरेज का एक्सेस थोड़ा इजी हो गया, यहाँ से हम डायरेक्ट ले जाएंगे। जिसका मैं इंतज़ार था ना, वो हो गया। तो शेल्फ भी यहाँ पे मेरे ख्याल में आ जाएगा, जो उस तरफ मैंने रखा है ना दरवाजे के साथ। इसको हम उठा के वहाँ पे ले जाते हैं, ये आ गया यहाँ पे। एक मिनट से घुमा देते हैं, ये लो जी, एक ऐसे इस तरफ भी आ जाएगा शायद, और रास्ता क्लियर करना है, तो एक इस तरह यहाँ से उठा के, नहीं भाई यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे रख देते हैं एक। और जो ये वाला है ना, इसे हम लोग उठा के यहाँ पे रख देते हैं। भाई काफ़ी कुछ हो गया यार आज। अब जो दूसरा दरवाज़ा है ना, ये इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब डायरेक्ट यहाँ से हम अंदर बाहर जा सकते हैं। और मेरा PC जो है यहाँ पे पड़ा है, उसी को मैं उठा के यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा क्लोज हो जाएगा स्टोरेज के पास भी। एक मिनट, इसको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। अब जो है इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे, बेहतर। चलो भाई, अब जो भी देखेंगे यहाँ से कुछ है या नहीं है, तो यहाँ से सीधा है, और यहाँ से जाके ऑर्डर कर दिया। भाई काफ़ी इजी हो गया। अब एक सेक्शन में मेरे ख्याल से और ख़रीदूंगा, तो स्टोरेज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगी, काफ़ी इतनी। और बाकी तब से स्टोर मैंने ओपन नहीं किया, माशाल्लाह से तब से बंद है ये, इसको भी ओपन कर देते हैं। और मैंने जो नए ख़रीदे थे ये वाले, इनकी प्राइस भी मैंने सेट करनी है, तो इसकी जो है 3.85, 6.62 इसकी लगा दी। मैं प्रॉफिट है 2.77, और 5.40 इसकी लगा दी। सॉल्ट की आ गई 2.17, राइस की आ गई 6.91, और फ्लोर की आ गई 6.78। अच्छा, इसकी 6.78 है, और दूसरे वाला फ्लोर अभी पड़ा ही नहीं हुआ, क्या बात है। दो दो रीस्टॉक करें फिर भी ये आते हैं, शायद मैंने ऑर्डर नहीं किया। 5.68 इसकी आ गई। लो भी प्राइस भी सबकी सेट हो गई, और ये जो है ना एक्स्ट्रा में मिला है, और इसके अंदर से ये सारा जो है ना नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ना एक शेल्फ भी रखी थी। अब जो है ना स्टोरेज अपनी काफ़ी बड़ी हो गई है, स्टोर मतलब स्टोर बड़ा हो गया, और स्टोरेज भी हमने काफ़ी बड़ी कर ली है, और ये दरवाज़ा भी खुल गया, हम लोगों ने जो है लाइसेंस भी खरीद लिया, काफ़ी कुछ हो गया आज की वीडियो में। खैर, वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा देना, तुम लोग सब्सक्राइब फिर नहीं करते भाई। मैं तुम कहता रहता हूँ सब्सक्राइब करो, लेकिन यार ठीक है, मर्जी है तुम लोगों की। खैर, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन, ओ भाई ये क्या हो गया भाई, एक मिनट क्या हो गया। खैर, गाड़ी वाला ले गया था मुझे। तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। Perfect.